आतंकवादी, कानून की नजरों में एक आतंकवादी बहुत बड़ा मुजरिम होता है, और उसी कानून की नजरों में उसे पनाह देने वाला उससे भी बड़ा मुजरिम होता है। अब आप मुझे यह बताइए एसीपी साहब कि कानून को आप जैसे मुजरिम के साथ कैसा सुलूक करना चाहिए। डीआईजी साहब, मेरे बयान का एक एक लफ्ज गीता और रामायण की तरह पवित्र और सच है, और सच के सिवा कुछ नहीं है। अगर यह बात सच है तो मुझे आपके साथ साथ आपकी बीवी भी सलाखों के पीछे नजर आ रही है। एसीपी साहब, मैं आपको बचा लूंगा अगर आप मुझे सच सच बता दें कि आपके खानदान ने कितने पैसे में बेचा अपने ईमान को। डीआईजी साहब, हमारा खानदान पैसों से नहीं बिकता, बल्कि प्यार से बिक जाता है। मेरी पत्नी को पूरा यकीन है यह बादल पैदाइशी आतंकवादी नहीं है। 1984 में पंजाब के गांव खेमकरण में एक पुलिस वाले ने उसके मां बाप और बहन को तमाम गांव वालों के साथ जिंदा जला दिया था, और वो लड़का भटक कर आतंकवादी बन गया। वो सुंदरनगर मासूमों की जान लेने के लिए नहीं आया है, उसे तलाश है तो सिर्फ उस पुलिस वाले की। I see. अब आपका क्या इरादा है? आप उस पुलिस वाले को गिरफ्तार करेंगे या उस आतंकवादी को? उस पुलिस वाले को तो सजा भगवान देगा, लेकिन इस आतंकवादी को सजा मैं दूंगा। मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुनो। हर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हाईवे पर नाकाबंदी कर दो, वो आतंकवादी किसी भी सूरत में भागने ना पाए, समझे? बादल को देखते ही उसे गोली मार दो, शूट एट साइट। मार डालोगे उसे? पुलिस वाले हो ना, मार डालो। उसने मेरे विश्वास को धोखा दिया है सिमरन, मेरे भरोसे को तोड़ा है। आज के बाद इस दिल में कोई नहीं रहेगा, कोई नहीं। बादल भैया की शादी रानी से नहीं होगी दीदी। बादल? बादल नहीं, टेररिस्ट। तुम्हें टेररिस्ट देखने का बहुत शौक था ना? देखो तुम्हारे सामने खड़ा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? मैं वो नहीं जो तुम समझ रही हो। दरअसल पुलिस के रिकॉर्ड में मेरा नाम राजवीर है, एक आतंकवादी। मैं सुंदरनगर सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि मुझे उसे खत्म करना है जिसने मुझे आतंकवादी बनाया। इससे पहले कि पुलिस मुझे अपनी गोलियां का निशाना बना ले, मैं उसे मिटा दूंगा, हमेशा हमेशा के लिए। और हमारा प्यार, हमारी जिंदगी, उसके बारे में तुमने कुछ नहीं सोचा? मेरी सोच, मेरी समझ, मेरा प्यार, सब कुछ मेरी मौत के साथ खामोश हो जाएगा, क्योंकि मेरी जिंदगी का मकसद है इंतकाम, सिर्फ इंतकाम। और मैं कुछ नहीं। फिर हम लोग क्यों मिले? क्यों साथ में सपने देखे? Why? ये एक युद्ध की शुरुआत है। मेरी जिंदगी की उम्र किसी भी वक्त अपना दम तोड़ सकती है। मेरा साथ तुम्हारा कल नहीं, मेरा अंत मेरे सामने है। मुझसे दूर रहो। Thank you.
कुछ नहीं, हट जाइए मेरे रास्ते से वरना मैं कुछ भी कर सकता हूं। गोली चलाओगे मुझ पे? चलाओ गोली, कम ऑन शूट मी। मेरे आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं, तुम्हारे पीछे तुम्हारा परिवार है। तुम भी तो उसी परिवार का एक हिस्सा हो। जज्बातों की जंजीरें मेरे पैर पे मत डालिए एसीपी साहब, आज भी मेरी आंखों के सामने चिताएं चल रही हैं। जब तक मैं उस कमीने को आग में झोंक ना दूं, मौत भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जी साहब सिंह जी, वो एसीपी साहब केदारनाथ जी के यहाँ आए हुए ना जी? मालूम नहीं, पर वो यहाँ से सीधा सर्किट हाउस जाएंगे जी। वहाँ पे डीआईजी साहब ठहरे हुए ना जी साहब। देखा, हमारा पड़ोसी मुल्क हमें तोहफे में क्या भेज रहा है। सर इसमें काफी असला है, लोगों की मौत का सामान है सर। तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो? सलाम राणा साहब, सलाम। आओ उसकर। सलाम वालेकुम। उठाओ अपना सामान। ओए रफीक बच्चा, चल उठा ले जरा जल्दी सामान। चलो बाबा, चलो, चलो। ओ राणा साहब, हमारा वादा के मुताबिक कल सुबह तक तुम्हारा पैसा तुम्हारा बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा। नहीं उसकर, आजकल मैंने हिंदुस्तान के सारे बैंक अकाउंट्स बंद कर दिए हैं। यह है मेरे स्विस बैंक के अकाउंट का नंबर, इसमें जमा करवा देना। ओ रफीक, एक पेटी छोड़ दो, कुछ तो सरकारी खाते में जमा करना पड़ेगा ना। अच्छा चलता है, खुदा हाफिज। चलो। हेलो कंट्रोल रूम। यस सर। मैं डीआईजी जयसिंह राणा बोल रहा हूँ सर। गौर से सुनो, मैंने आतंकवादियों का असला पकड़ लिया है और मुठभेड़ में 5 आतंकवादी मारे गए, लेकिन हमारा एक ऑफिसर और ड्राइवर भी शहीद हो गए। इसलिए मलेर कोटला गांव में फॉरन पुलिस फोर्स भेजो और एम्बुलेंस भी। ओवर। कराओ, लेकिन उसकी लाल लाल खूनी आंखों में उस दर्द को भी देखने की कोशिश करना जिस दर्द के सारे जिंदा रहते हैं वो आतंकवादी। आतंकवादी देख रहा है, आतंकवादी। ना ही तेरा नाम जीतराम है और ना ही तू कपड़े का व्यापारी है, तू है एक आतंकवादी। तुझे सिर्फ इतना बताना है कि इस सुंदरनगर में तेरे साथी कौन कौन है और यहां तुम लोग किसको निशाना बनाने आए। आप चाहे मेरी जान ले लो, लेकिन सच्चाई यही है कि मैं कोई आतंकवादी नहीं। मरना तो तुझे है ही, तू क्यों अपनी मौत को और मुश्किल बना रहा है? मौत, मौत से किसकी रिश्तेदारी है राणा? आज मेरी तो कल तेरी बारी है। बहुत बुलंद हौसला है तेरा, लेकिन तू मुझे नहीं जानता। डीआईजी साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? ऐसे तो ये मर जाएगा। तो क्या करूं, इसे फूलों का हार पहनाकर इसके सामने माथा टेकूं? मेरा मतलब है ये मुजरिम हो सकता है लेकिन है तो इंसान। थैंक यू, आपने मुझे इतने ज्ञान की बात बताई कि मेरा जीवन ही धन्य हो गया। आपके चरण कहाँ हैं? ये आप क्या कर रहे हैं सर?
आपके चरणों की धूल अपने माथे पे लगा रहा हूं। आपका नाम क्या है? एसीपी रंजीत सिंह। और मैं कौन हूं? डीआईजी जय सिंह राणा। जमीन और आसमान में क्या फर्क होता है ये तुम्हें मालूम है या मैं तुम्हें बताऊं? यू ब्लडी जूनियर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे काम में दखल देने की? डीआईजी साहब, मैं भले ही ओहदे में आपसे छोटा हूं, लेकिन इतना छोटा भी नहीं कि आप मेरे साथ इस तरह से बात करें। हमें कानून की किसी भी किताब ने यह हक नहीं दिया है कि हम इंसानों के साथ जानवरों जैसा सलूक करें। किसके साथ क्या सलूक करना चाहिए यह मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। आई डोंट टेक ऑर्डर्स, आई गिव ऑर्डर्स।